हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। फ्लैक्स मशीन से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है। यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि फ्लैक्स मशीन से रिलेटेड मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है, जिनको देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि हमें किस फ्लैक्स पे प्रिंटिंग करवाना चाहिए ताकि वो सस्ता भी पड़े और अच्छा भी प्रिंट हो, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको फ्लैक्स प्रिंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस पे प्रिंट कराएं, जी पे कराएं या स्टार पे कराएं या नॉर्मल पे कराएं। क्योंकि देखो, हमारी कंपनी में चार तरीके का मीडिया यूज किया जाता है फ्रंट लिट में, जैसे हमारा एक सी हो गया, दूसरा नॉर्मल, उसके बाद जी फ्लैक्स, उसके बाद स्टार। तो ये चार फ्लैक्स जो है ये हमारा फ्रंट लिट में आता है। उसके बाद एक हमारा ब्लैक मीडिया भी है, ब्लैक मीडिया में ये चारों हैं। लेकिन जो ज़्यादा हम लोग प्रिंट चलाते हैं वो हम लोग फ्रंट लिट पे ही चलाते हैं, क्योंकि जो ब्लैक मीडिया होता है उस पर कम ही प्रिंट हम लोग चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ्रंट लिट पे ज़्यादा प्रिंट होता है। तो जब हमारे यहाँ नए कस्टमर आते हैं उनको पता नहीं होता कि हम किस पे प्रिंट करवाएं, तो हम उनको सैंपल भी दिखाते हैं कि ये देखो, ये नॉर्मल फ्लैक्स है, ये जी फ्लैक्स है और ये स्टार है, और सब में आपको क्वालिटी भी अलग मिलेगा और प्राइस भी अलग मिलेगा। तो देखो, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप फ्लैक्स को कहाँ पर लगाओगे। तो इवेंट में जो लगाते हैं वो हम नॉर्मली स्टार या जी फ्लैक्स पे प्रिंट करके देते हैं, और उनको हम बता भी देते हैं कि आप यदि इवेंट में लगा रहे हो तो आपके लिए जो है जी फ्लैक्स या स्टार फ्लैक्स बेटर है। बट यदि आप होर्डिंग लगवा रहे हो या फिर आप अपने दो शॉप वर्क के लिए कोई छोटा मोटा फ्लैक्स छपवा रहे हो तो आपके लिए नॉर्मल फ्लैक्स जो है बेटर होगा, क्योंकि वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी प्रिंट उस पर आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप कहीं फंक्शन में छपवा रहे हो या फिर आपका कोई इवेंट में फ्लैक्स जा रहा है तो उस पर जो है आपको आप स्टार फ्लैक्स पे प्रिंट करवा लो या फिर जी फ्लैक्स पे प्रिंट करवा लो, एक या दो रुपए आपको नॉर्मल फ्लैक्स से ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा जी फ्लैक्स होता है उस पर साइनिंग होता है। अभी आपको स्क्रीन पे जो प्रिंट दिख रहा है ये हमारा जी फ्लैक्स है। जी फ्लैक्स पे आप देख ही सकते हो कि हमारा प्रिंट में जो साइनिंग कितना ज़्यादा आता है, मतलब इस पे जो चमक बहुत ज़्यादा आता है, और ये प्रिंट जो है नॉर्मल फ्लैक्स से थोड़ी मोटी होती है और इस पे साइनिंग भी बहुत अच्छा खासा आता है। तो इस कारण से इसको जो है हम फंक्शन में या फिर इवेंट और में जो है इसको लगाते हैं, और जो हमारे पास नए कस्टमर आते हैं हम भी उनको यही सजेस्ट करते हैं कि यदि आप इवेंट में या फिर फंक्शन में या फिर बर्थडे और का छपा रहे हो तो आप जी फ्लैक्स या स्टार पे छपा सकते हो। बट यदि आप अपने शॉप के लिए छपा रहे हो या फिर होर्डिंग छपाना चाहते हो तो वो आपके लिए फिर नॉर्मल फ्लैक्स ही बेटर है। अब ये यहाँ आपको मैं स्क्रीन पे नॉर्मल फ्लैक्स प्रिंट किया हुआ दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इसकी भी क्वालिटी देख सकते हो, हालांकि कैमरे में तो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि क्या नॉर्मल क्या जी फ्लैक्स है, बट जब आप सामने से देखोगे तो आपको फर्क और क्वालिटी दोनों का पता चल जाएगा। रेट भी सबका अलग अलग है। नॉर्मल फ्लैक्स का जो रेट है वो जी फ्लैक्स या स्टार फ्लैक्स से थोड़ा सस्ता है, और जी फ्लैक्स जो है वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा नॉर्मल फ्लैक्स से, बट क्वालिटी दोनों का बहुत ही ज़्यादा फर्क है। जब आप जी फ्लैक्स पे कराओगे तो उसमें साइनिंग आती है, जो अभी आपके स्किन पे भी होगा। और यदि आप लक्कर का फ्रेम बनवाना चाहते हो या फिर होर्डिंग बनवाना चाहते हो तब तो आपके लिए नॉर्मल फ्लैक्स सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और जो हम होर्डिंग में जो फ्लैक्स यूज किया जाता है वो नॉर्मल फ्लैक्स ही यूज किया जाता है, क्योंकि लक्कर के फ्रेम पर जो है नॉर्मल फ्लैक्स को खींच के टाइट करने में जो है वो आसानी होता है, और वो जो है बीच में पूरा टाइट रहेगा, आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा और वो सस्ता भी पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और सब सस्ते में भी अच्छा भी हो जाएगा। तो इस कारण से यदि आप होर्डिंग बनवाना चाहते हो तो आप आँख बंद करके नॉर्मल फ्लैक्स पर प्रिंट निकलवा लीजिए। और यदि आप लोहे का फ्रेम बनवाना चाहते हैं अपनी दुकान के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, यदि आप लोहे का फ्रेम बनवाते हैं तो फिर आपको स्टार फ्लैक्स या जी फ्लैक्स पे प्रिंट निकलवाना चाहिए, क्योंकि वो जो है लोहे के फ्रेम पे पेस्टिंग किया जाता है। तो इस कारण से यदि आप लक्कर के फ्रेम पे आप फ्लैक्स लगवाना चाहते हैं तो नॉर्मल फ्लैक्स को प्रिंट करवाइए, और यदि आप लोहे के फ्रेम पे पेस्ट करवाना चाहते हैं तब तो फिर आप स्टार फ्लैक्स या जी फ्लैक्स निकलवा सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पर ये फ्लैक्स को लगवाना चाहते हैं, किस जगह पर लगवाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात रही रेट की, तो देखो यार, रेट हर कंपनी की अपनी अलग अलग रेट है, हमारे यहाँ की भी अलग रेट है, दूसरे कंपनी के भी अलग रेट हैं, तो जिस कंपनी में जैसा रेट होगा आपको वो तो बता ही देंगे। वैसे जो नॉर्मली रेट चलता है वो 10 रुपये 12 रुपये पर फुट स्क्वायर फुट चलता है। यदि आप कहीं भी नॉर्मल फ्लैक्स प्रिंट करवाओगे तो हो सकता है वो आपसे 10 रुपये पर स्क्वायर फुट ले या फिर 12 रुपये पर स्क्वायर फुट ले, ऐसे ले सकता है। कोई ज़्यादा भी लेता है, कोई कम भी लेता है।
है तो वो अपने हिसाब से लेता है, वो उसके प्रिंटिंग की भी क्वालिटी देखा जाता है तो अपने प्रिंट के क्वालिटी से भी वो अपना रेट लेता है। पर स्क्वायर फुट आपको 10 रुपये या 12 रुपये स्क्वायर फुट लेगा। कई कंपनी तो ऐसी है जो 5 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ही आपको प्रिंटिंग करके देता है, तो वो सबकी अपनी अपनी रेट है, अपना अपना क्वालिटी है प्रिंटिंग का। तो आपको देख लेना है कि आपको जहाँ सस्ता पड़े, जहाँ अच्छा पड़े, आप वहाँ पर प्रिंटिंग निकलवा सकते हो। आपके एरिया में भी बहुत सारा फ्लैक्स प्रिंटिंग का मशीन लगा हुआ होगा, बहुत सारी कंपनियाँ होगी जहाँ पे आप इजली फ्लैक्स प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला था। तो चलिए, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।